जिंदगी में उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, जीतने के लिए, जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में कुछ भी मुमकिन है अगर उम्मीद है तो। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से क्विट करके बैठे हो यार, या फिर क्विट करने वाले हो, तो एक फिल्म जरूर से देख लेना, नाम है ग्रेविटी। मैं वादा करता हूं ये फिल्म देखने के बाद आपकी लाइफ से क्विट नाम का जो शब्द है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह आपको सिखाएगी कि जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, दूर दूर तक बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई देता हो, तब भी अगर इंसान चाहे तो ना सिर्फ उसमें से बाहर आ सकता है बल्कि इतिहास बना सकता है। आपको पता है कोई भी इंसान पहले यहां पर हारता है, उसके बाद बाहर हारता है। ये फिल्म आपको लाइफ की, वक्त की, हवा की, पानी की, मिट्टी की, हर एक चीज जो आपको मिली हुई है उसकी अहमियत कुछ इस तरीके से समझा देगी कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सुसाइड करने वाले लोग सुसाइड कैंसिल कर देंगे। जिंदगी में जब तक उम्मीद है, सब कुछ से ऐसे ऐसे हीरो सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी की मदद करने के लिए पैसा और पावर नहीं, नियत चाहिए। रांची का 21 साल का लड़का रवि अग्रवाल, जो एक ऑटो ड्राइवर है, आज कोविड के मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस ऑपरेटर्स मन मर्जी के रेट वसूल रहे हैं। ऐसे में ये लड़का मरीजों को फ्री में अस्पताल पहुंचा रहा है। ऑटो चलाने के साथ साथ रवि रांची में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। 15 अप्रैल के दिन रवि ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के सामने भीख मांग रही है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, लेकिन कोई उसको अपनी टैक्सी में या ऑटो में बिठाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो कोविड की पेशेंट थी। रवि ने उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया और जब उन्होंने रवि को 200 रुपए ऑफर किए तो वो पैसे नहीं ले पाया। उसको खुद को पता नहीं था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब वो वहां से लौट रहा था तब उसको रियलाइज हुआ कि रांची में ऐसे कितने सारे पेशेंट्स होंगे जिनको कोई ऑटो में नहीं बिठाता होगा, जो लोग एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, और तब से उसने ये सेवा शुरू कर दी। रवि के लिए भी और जितने भी हमारे जस्टैग फैमिली के लोग हैशटैग सेव इंडिया मूवमेंट में जुड़े हैं, उन सब आजकल हम खाते बहुत है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इसका नाम शिमला मिर्च क्यों है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये भारत की फसल है ही नहीं, बेसिकली ये जो सब्जी है वो साउथ अमेरिका के महाद्वीप की है, और रिपोर्ट्स कहते हैं कि 3000 सालों से इसकी खेती की जा रही है। लेकिन अंग्रेज जब शासन करने के लिए भारत में आए थे तब ये लोग यहां पर इसको लेके आए थे, और उस टाइम पर शिमला जो है वो भारत का समर कैपिटल था। तो शिमला के आसपास पहाड़ियों में इन्होंने इसकी खेती करना शुरू किया और अच्छे से खेती हुई भी। उसके बाद भारत के अलग अलग इलाकों में इनको भेजा जाने लगा और तब से भारत में इस मिर्ची को शिमला मिर्च के नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि शिमला मिर्च इस नाम के पीछे की कहानी क्या है। तू अभी तक नहीं समझा क्या? अरे अब इसको पूरा फिर से कौन बताएगा यार? मैं बताता हूं। हमारे देश में कोरोना सारी हदें पार कर रहा है और जो कुछ भी आसपास चल रहा है आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में कौन है ये लोग जो ऐसे हालातों में दवाइयों की कालाबाजारी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ब्लैक में बेचते हैं, देश को जिस टाइम पर सबसे ज्यादा सपोर्टर्स की जरूरत है, आप जिस तरीके की मदद, जो भी मदद, जरूरी नहीं है कि आप पैसों से मदद करो, जो भी मदद आप कर सकते हो करो, लेकिन कम से कम लोगों की जान के साथ खेलना बंद करो। और दूसरी अनाउंसमेंट, जिन लोगों को भी अपनी इमरजेंसी डिमांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हम आपका प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज आपकी जो रिक्वायरमेंट है हमको DM कर दीजिए, हम आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, हो सकता है इसको पढ़ के आपके आसपास जो मदद होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ भी आप जुड़ सकते हैं YouTube की, वहां पर आप मदद करने के लिए भी और मदद मांगने के लिए भी जुड़ सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने सोशल मीडिया पर आज से अभी से ये काम शुरू कर दीजिए। आजकल चारों तरफ से मानो नेगेटिविटी की बॉम्बार्डिंग हो रही है। टीवी ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, किसी से बात करो, सिर्फ नेगेटिविटी की बातें, मरने वाली बातें, बीमार होने वाली बातें, स्ट्रेस वाली बातें, टेंशन वाली बातें। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोरोना ने जितना नुकसान पहुंचाया है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान ये नेगेटिविटी हमको दे रही है? लोग अंदर अंदर से टूटते जा रहे, लोग स्माइल करना भूल गए, सुकून क्या होता है ये लोग भूलते जा रहे। स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ कुछ मैसेजेस ऐसे मिलते हैं हमें कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधे लोगों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, आधे लोग अभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऊपर क्या हो रहा है वो सब छोड़ो, लेकिन पेरेंट्स से इतना मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मत भूल जाना कि आपके जो बच्चे हैं वो इंसान है। एनीवे, आज का जो वीडियो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो भी लोग इस नेगेटिविटी के बादलों में से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बाहर आना चाहते हैं, स्माइल करना चाहते हैं, दिल से कुछ अच्छा फील करना चाहते हैं, सुकून फील करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है।
मुश्किल नहीं है ज्यादा, मैं थोड़ी देर के लिए आपको इस दुनिया से बाहर ले जाना चाहता हूं। मैं जो भी बोलूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, और अगर आप चाहें तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं। हम कुछ अच्छी यादों को याद करेंगे, कुछ हमारी ही लाइफ की कुछ बातों को याद करेंगे जो आपको बहुत, यकीन कीजिए, बहुत सुकून देगी। स्कूल के वो दिन याद करो जब आपका बर्थडे होता है और आप किसी एक ही दोस्त को साथ में चॉकलेट बांटने के लिए ले जा सकते हैं, और चॉकलेट बांटने का काम मतलब बहुत ही मज़े वाला काम होता है ये। तो सभी दोस्त आपके सामने इस तरीके से देखते हैं कि बेटा आज तो पता चल जाएगा कि तेरा अच्छा दोस्त कौन है, तेरे दिल में सच में कौन है। और आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैं किसको चुनूं किसको ना चुनूं। अगर आपके दोस्त का बर्थडे है और अगर आपका दोस्त आपको चुनता है तो उन पलों की खुशी याद करो कि कितना अच्छा लगता है कि यार तू, मैं तेरे साथ आऊँगा। और अगर आपका बर्थडे हो और आपने किसी को चुना और आप चॉकलेट बांटने निकले और आपका दोस्त आपको कहे कि यार इतना जल्दी क्या है, मतलब जाते ना आराम से यार, धीरे धीरे करके बांटेंगे ना यार। अच्छा, उन मोमेंट्स को याद करो जब क्लास में सर के आ जाने के बाद आपको अचानक से याद आया, फिर आपका दोस्त आपको बताया कि सर ने कल होमवर्क दिया था और बताया था कि जो भी करके नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे होते हो कि सर बस इस बात को भूल जाए और कुछ और पढ़ाने लगे, टक 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 टक, सर भूलने की तैयारी में होते हैं, सर ने कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया होता है, और ऐसे में कोई एक बंदा उठ के बोले कि सर कल आपने होमवर्क दिया था और बोला था कि जो नहीं करके आएगा, तो सर मैं जस्ट आपको याद करा रहा हूँ। और ऐसे में आपके उस बंदे के लिए फीलिंग्स, और सर जब कहे कि जो भी होमवर्क करके नहीं आया है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाने के बाद आसपास देखने के बाद आपको पता चले कि मैं अकेला ही करके नहीं आया हूं, और सर जब आपकी तरफ बढ़े वो 10-12 सेकंड का जो टाइम होता है उसको याद करो। अच्छा, वो याद करो जब टीचर कहते थे कि आज हम ग्राउंड पर जाते हैं, और वो सुनने के बाद जो खुशी महसूस होती थी, भाई साहब सबके चेहरे पर ओरिजिनल स्माइल जिसको कहते हैं दिल से निकलने वाली खुशी, उस टाइम पर पता नहीं था कि ये सच्ची खुशी है, लेकिन अभी सबको वो पल जरूर याद आते होंगे। अच्छा, ऐसा कभी आपके स्कूल डेज में हुआ है? अरे हुआ ही होगा, जब टीचर ने कहा हो कि देखो जो करना है करो, आवाज नहीं आनी चाहिए, और उस टाइम पर बेंच पर ऐसे सर रख के लेटना और धीरे धीरे से दोस्त के साथ ऐसे लेटे लेटे बातें करने का मजा। अच्छा, उन पलों को याद करो जब स्कूल के ग्राउंड में आपका दुश्मन पार्टी के साथ झगड़ा हो जाए, वो लोग बहुत सारे हो, आप अकेले हो, मतलब आप पीटने वाले हो ये बात पक्की हो, और ऐसे में आपकी टीम वहां पर आ जाए और उन सबसे लड़ ले और उनको बोले कि देखो अगर इस बंदे को हाथ भी लगाया ना अगली बार से तो बैंड बजा के रख देंगे। वैसे ये बच्चों की लड़ाई थी, लेकिन उस टाइम पर अपनी टीम को साथ में देखकर जो सेफ महसूस करते थे हम, मतलब दुश्मन पार्टी के जाने के बाद कहते थे कि यार थैंक यू, आज तुम लोगों ने दुश्मनों से बचा लिया मुझे, बहुत मजा आता था यार। अच्छा, ये वाला पता नहीं आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है भाई। जब टीचर आपको किसी पनिशमेंट के लिए क्लास में से बाहर निकाल दे और उसी टाइम पर प्रिंसिपल राउंड लगाने के लिए निकले, दूर से प्रिंसिपल आपको देख ले, आप प्रिंसिपल को देख ले, और जैसे प्रिंसिपल आपकी तरफ आगे बढ़ते जाए आपकी जो घबराहट है इतनी ज़्यादा बढ़ती जाए, और जैसे वो नज़दीक आए पीरियड ही चेंज हो जाए, अब भाग के अपने क्लास में वापस चले जाओ, टीचर कहे कि हेलो किसको पूछ के अंदर आए, और आप थोड़ा सा पॉज लेके स्टाइल से सर को कहो कि सर शायद आपको पता नहीं है लेकिन पीरियड चेंज हो गया है। और ये जवाब सुन के पूरा क्लास जो चिल्लाए, और खास करके लड़कियों के एक्सप्रेशन, पता होता है कि अगले पीरियड में ये सर हमारे बैंड बजा देंगे, लेकिन इतना लंबा सोचते नहीं थे हम उस टाइम पर। वो जो 15-20 सेकंड मिलते थे अपने बेंच तक पहुंचने का और स्टाइल में चलने का, उसी में जी लेते थे यार। इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूँ दोस्त कि हम सब की लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जिनको आज याद करते हैं तो पागलपन लगता है कि ऐसा मैंने किया है, लेकिन कसम से वो बहुत ही आपको सुकून देंगे, बहुत मज़ा कराएंगे। तो जब भी आप नेगेटिविटी फील करो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, और ख़ास करके आजकल जो सिचुएशंस चल रही है, ऐसे हालातों में फालतू की चीज़ें सोचे बिना ऐसे पलों को याद करो यार, खुश रहो। और सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे भी हो, एग्जाम कैसे भी गए हो, एग्जाम कैसे भी जाने वाले हो, अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, और उसके बाद सब कुछ भूल जाओ यार। और याद रखो कि सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट्स ही सब कुछ नहीं है, तो जितना आप कर सकते हो उतना करो, उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, ये सब छोड़ो, ये सब याद मत करो, सोचो ही मत। और आपको पता है कि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आप भी ऐसी मज़ेदार चीज़ें शेयर कर सकते हो कमेंट में, ताकि मैं और हमारी फैमिली भी उसको पढ़ पाए, हम भी थोड़ा सा स्माइल कर ले यार। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।